मेरा नाम राम निवास है और मैं हरियाणा के कैथल ज़िले से हूँ। वर्ष 2003 में मैं गुड़गांव में आया था एक नौकरी की तलाश में, एक सुनहरे भविष्य की तलाश में, जो कि भारतवर्ष में जाना भी जाता है कि गुड़गांव शाइनिंग इंडिया है। यहाँ पे मैंने मारुति के साथ अपना करियर शुरू किया और 2004 से लगातार 2012 तक मैं मारुति में काम करता रहा। मैं भी खुश था, मेरे परिवार वाले भी काफ़ी खुश थे, सभी को लगा कि एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही कंपनी के अंदर काम करते करते टाइम बीता, एक सुनहरे भविष्य की तलाश में मैं यहाँ काम कर रहा था और उम्मीद थी कि मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन जो यहाँ के वर्क कंडीशन है, यहाँ का जो मुनाफे की हवस है, मेरे शारीरिक रूप पे भी इसका काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। कंपनी के अंदर धीरे धीरे बढ़ते टाइम के साथ इतना बर्डन बढ़ गया वर्कर के ऊपर, मैं ही नहीं मेरे साथी जितने भी थे, यहाँ तक कि मारुति के अंदर जब हमने ज्वाइन किया 72 सेकंड में एक गाड़ी बनता था, उसी की स्पीड को घटाते घटाते 42 सेकंड पे वो ले आए। और 42 सेकंड पर व्हीकल जब हम बना रहे हैं तो उसमें सोच सकते हैं सभी कि एक सेकंड कितना कीमती है। उसके दौरान हमें पानी पीने का, बाथरूम जाने का, चाय पीने का कोई टाइम नहीं मिलता था। इससे ही लगातार हमारा स्वास्थ्य भी खराब रहता था। वर्किंग कंडीशन भी ऐसी है कि एक सप्ताह आपको दिन में आना है, एक सप्ताह बाद आपको नाइट ड्यूटी करनी है। इस प्रकार शरीर भी ठीक से शेड्यूल में नहीं रह पाता था। और लेकिन ऐसा सिर्फ हर कंपनी में नहीं था, इस टाइम तक जिन कंपनियों में यूनियन थी उन कंपनियों में माहौल बहुत अच्छा था, खाना अच्छा था, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी थी, बस फैसिलिटी थी, और सबसे बढ़िया ये था कि रिलीवर था। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप रिलीवर को कॉल कीजिए और वो आपको रिलीव देगा। लेकिन मारुति में ये सब नहीं था। जब हम सभी एकजुट हुए, परमानेंट हुए, तब हमें लगा कि इतना प्रेशर कैसे सही। तब एक उम्मीद भी हुई कि क्यों ना हम यूनियन बनाए जैसे और कंपनियों में है। जैसे ही हमने यूनियन की कार्रवाई शुरू की, उसके बाद ही मारुति मैनेजमेंट ने और ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया, हमसे ब्लैंक पेपर पे साइन लेना शुरू कर दिया। एक पेपर पे ऐसे लिखा था कि हमें यूनियन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही काम से संतुष्ट हैं। लेकिन सभी मजदूरों की एक राय थी, सभी ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और स्ट्राइक पे चले गए। पहली 4 जून 2011 को स्ट्राइक हुई। मारुति प्रबंधन भी देख रहा था कि कितनी देर ये स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने कैंटीन बंद कर दी, ट्यूबलाइट बंद कर दी, टॉयलेट बंद कर दिया कि मजदूर थक के काम पे वापस चले जाएंगे। लेकिन दो दिन तक सभी मजदूर भूखे प्यासे बैठे रहे। और क्योंकि बात है 4 जून 2011 की, उस वक्त गर्मी का इतना बहुत कहर होता है, लगातार दो दिन बिना नहाए बिना खाए मजदूर एकजुट रहे। तब मैनेजमेंट को कहीं लगा कि नहीं, ये टूटने वाले नहीं हैं। लगातार 13 दिन तक वो हड़ताल चली और 13 दिन के बाद मारुति प्रबंधन को मजबूरी में एक समझौता करना पड़ा कि आप कंपनी चलाइए, हम आपकी यूनियन में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। और साथ में एक समझौता ये तीनों पक्षों में हुआ, लेबर डिपार्टमेंट में, यूनियन में और मैनेजमेंट में। एक इसका मेन रखा गया कि कोई भी पक्ष द्वेष भावना से काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम प्लांट के अंदर गए समझौते के बाद, वहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। हमारे ऊपर काम का दबाव और बढ़ा दिया, बार बार पे वार्निंग लेटर देने लग गए। तब इस सारी कार्रवाई की हमने लेबर डिपार्टमेंट को भी सूचना दी, लेकिन कंपनी ने उस टाइम जो नया मॉडल आया था स्विफ्ट डिजायर, उसमें टेक्निकल फॉल्ट थे, वेंडर प्रॉब्लम थी, जिस कारण पार्ट प्रॉपर फिटमेंट नहीं हो रहे थे। और मैनेजमेंट ने मीडिया में शो किया कि वर्क ऑफ गो स्लो पे चले गए हैं, काम करना नहीं चाहते। तो इसका बहाना बना के 29 अक्टूबर को कंपनी ने लॉकआउट कर दिया, कंपनी को सील कर दिया कि आपको अलाउड नहीं है काम करना। और वहाँ पे एक गुड कटक बाउंड लगा दिया, जिसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी कि उन कंडीशनों के रहते वर्कर काम नहीं कर सकते थे। सभी वर्करों ने इसका विरोध किया कि हम इसको साइन नहीं करेंगे। लगातार 33 दिन फिर हड़ताल चली। 33 दिन के बाद फिर कंपनी ने समझौता किया और इसके दौरान लगभग 90 के आसपास हमारे साथी सस्पेंड और टर्मिनेट हो चुके थे। इस हड़ताल को ख़त्म करने के बाद यही हुआ कि इनमें से
54 लोगों को ले लिया जाएगा और 40 के आसपास जो साथी बच गए थे उनको घरेलू जांच के बाद लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी कंपनी ने उल्टा दांव खेला और हमारे जो 1200 के करीब ठेकेदार के साथी थे उनको काम पे लेने से मना कर दिया। तब 3 दिन काम करने के बाद सभी वर्करों ने फिर से कंपनी के अंदर हड़ताल की, कंपनी पे कब्जा करके बैठ गए और बोला कि जो हमारे ठेकेदार के कर्मचारी हैं वो हमारे साथ होने चाहिए। फिर मैनेजमेंट ने हाई कोर्ट में अपील डाली, हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि कंपनी को आप खाली करो, आप ये गलत कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के सम्मान करते हुए सभी ने कंपनी खाली कर दी और फिर 13 दिन के बाद फिर से समझौता हुआ। लेकिन उस समझौते में कंपनी ने अपना प्रेशर अपने यूनियन बॉडी के ऊपर बना लिया था और 28 लोगों को 16-16 लाख रुपए देके खरीद लिया था और 2 हमारे जो मेन प्रधान थे उनको बहुत मोटी रकम दी और उन्होंने इस आंदोलन को फेल कर दिया। यूनियन को अक्सर वर्कर को मैनेजमेंट बोलती थी कि मारुति मानेसर के अंदर हमने हर लड़के के मुंह के अंदर उंगली घुमा के देख लिया है, किसी के अंदर दांत नहीं है, ये काट नहीं सकते। मतलब कहने का ये था कि ये यूनियन नहीं बना सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मजदूर भी अब 3 बड़ी बड़ी हड़ताल झेल चुके थे, बहुत सारा पैसा वेस्ट कर चुके थे, उन्होंने भी ठान लिया था कि अब अगर काम होगा तो यूनियन के अंडर में ही होगा। फिर से एक तीसरी फाइल की शुरुआत की, दूसरी फाइल लगाई। दूसरी फाइल के बाद 23 फरवरी को हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आया और 1 मार्च को हमने झंडा दिवस मनाया। उसके बाद ये मैनेजमेंट की सीधी सीधी हार थी। जो मैनेजमेंट बोलती थी कि मारुति के अंदर तो हम यूनियन बढ़ने नहीं देंगे, ये उस हार को पचा नहीं सके और 18 जुलाई 2012 को एक परिपूर्ण प्री प्लानिंग से एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पे एक झगड़ा करवाया, बाहर से बाउंसर बुलाए, उससे कुछ मैनेजमेंट के अधिकारियों को पिटवाया और एक मैनेजर जो हमारे हक का था जिसने यूनियन बनवाई थी उस घटना के दौरान उसको मरवा दिया गया। उस घटना का सहारा लेते हुए इन्होंने 2500 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया और 150 कर्मचारियों को जेल के अंदर ठूस दिया। आज तक 3 साल हो चुके हैं, आज तक हमारे 145 साथी आज भी जेल में पड़े हैं। सिर्फ 2 दिन पहले ही हमारे 2 साथियों की बेल हुई है, जो आए थे काम की तलाश में, जो साइनिंग इंडिया के नाम पर यहाँ आए थे अपना कैरियर बनाने, आज वो साथी अपने चरित्र को समाप्त कर चुके हैं। उनके ऊपर 302-307 जैसी धाराएं लग चुकी हैं, उनका जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो चुका है। जो हम बाहर से देखते थे इस गुड़गांव की तस्वीर को, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, यहाँ के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल को, तब उम्मीद थी, फक्र होता था कि हाँ हम कहाँ रह रहे हैं। पर जब हम आज देखते हैं हमारे साथियों को, जब हम देखते हैं उनके घरों में उनके माँ बाप मर चुके हैं, किसी की लड़की मर चुकी है, घर में कोई अकेला कमाने वाला है वो जेल के अंदर पड़ा है, पिताजी कर्जदार हो चुका है, सिस्टर की शादी नहीं कर पाता, जो लड़के जेल के अंदर हैं उनके कंडीशन बिल्कुल ख़राब हैं, उनका स्वास्थ्य गिर चुका है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, मेडिकल ठीक से नहीं मिल पाती। गर्मियों में तो सेंट्रल जेल है 4000 के करीब से ज़्यादा ही कैदी हैं, वो नहा भी नहीं पाते। अब सोचते हैं कि कौन सा हमने करैक्टर बना लिया, कौन सी हमारा चरित्र एकदम उज्ज्वल हो गया, जबकि मीडिया का सहारा लेते हुए मैनेजमेंट ने, हरियाणा सरकार ने बिल्कुल हम लोगों को दोषी करार दे दिया। मीडिया में दिखाया गया कि मारुति के वर्करों ने, मजदूरों ने एक मैनेजर को जिंदा भट्टी में जला दिया। हमारे घर वाले भी हमसे आंखें चुराते थे, हमें बोलते थे कि तुमसे ठीक से काम नहीं हुआ, तुमने गलत किया, मैनेजर को मार दिया। लेकिन ये एक तरफा, क्योंकि कंपनी बहुत पूंजी, बहुत पावरफुल है, पैसा है, सरकार को भी खरीद सकती है। यहाँ तक कि जो हमारा केस चल रहा है इसके अंदर जो पीपी है उसको हरियाणा गवर्नमेंट पर डेट के 11 लाख रुपए देती है, जबकि पीपी किसका होना चाहिए, मजबूर और बेबस लोगों का, जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास होना चाहिए। इस तरह से हरियाणा सरकार 7.5 करोड़ रुपए KTS तुलसी को दे चुकी है। तो ये सारा चरित्र स्पष्ट करता है कि क्या है गुड़गांव की तस्वीर और क्या है ये साइनिंग इंडिया। बेल के बारे में जो भी हुआ है तो कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है? जो आज 3 साल के बाद 2 साथियों की बेल हुई है,
इसको लेके हम पहले सेशन कोर्ट गए, वहाँ से रिजेक्ट हो गई। इसके बाद हमने ये हाई कोर्ट में लगाई, डबल बेंच में, केसीपुरी की अदालत में, और उसमें बहुत चौंकाने वाला डिसीजन दिया उन्होंने कि हम इनको बेल नहीं दे सकते, अगर इनको बेल देंगे तो विदेशी पूंजी निवेश पे असर पड़ेगा। जो डेमोक्रेटिक राइट है बेल एक आदमी का, उसको भी पूंजी निवेश के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। आगे का कैसे देख रहे हैं आप संघर्ष को, लड़ाई को? आगे लगातार हम संघर्ष करते रहे हैं 3 साल से। यहाँ बहुत बड़े इलाकाई तौर पे मजदूरों से संपर्क बढ़ा रहे हैं, हमारी काफ़ी सारी कंपनियों से अच्छी याराना संबंध हुए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ के मजदूर एकजुट होंगे, और जो पूंजीपतियों ने एक एकजुटता कायम कर दी है, इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चेयरमैन हैं आरसी भार्गव, उन्होंने अपने एक बयान में बोला था कि ये कोई झगड़ा नहीं था, ये क्लास वार है। मजदूर नहीं समझते कि क्लास वार क्या होता है, मजदूर पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जब हम आज न्यायपालिका, शासन प्रशासन, प्रबंधन, सरकार और मैनेजमेंट सभी ने हम लोगों को ये सिखा दिया कि हाँ ये वर्ग संघर्ष है, हर कोई जब कंपनी के फेवर में खड़ा है तो हम भी यही सोचते हैं अगर ये वर्ग संघर्ष है तो हम सिर्फ इसको एक वर्गीय एकता के बल पे ही जीत सकते हैं, और हमारी कोशिश है कि हम इस इलाके में एक वर्गीय एकता के रूप में खड़े होंगे और इस आंदोलन को जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।